अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल पाकीज़ा किचन। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार कीमे की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, बहुत ही झटाफट और बहुत ही मज़े की और बहुत ही कम मसालों के साथ। यूनिक और डिफरेंट रेसिपी है, इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पर लिया है 350 ग्राम कीमा, इसे मशीन से हमने कुटा लिया है। और हमें चाहिए एक मीडियम साइज़ की प्याज और एक बड़ा आलू हमें चाहिए। और इस तरह हम जो नारियल घसते हैं उस पर हम इसे ग्रेट कर लेंगे, कद्दूकस कर लेंगे। ये बड़े साइज़ का आलू है, तकरीबन 200 ग्राम इसका वेट होगा। अगर छोटा आलू आपके पास है तो दो लें। तो इस तरह अगर आलू में ज़्यादा पानी है तो थोड़ा निचोड़ के हाथों से कीमे में डाल दें। तो पानी इसमें नहीं था आलू में, तो मैं यहाँ पर सारा आलू डाल दिया। और जो ये हमने प्याज लिया है इसे भी कद्दूकस कर लेंगे। तो ये कद्दूकस हो चुके प्याज हमारे, अब ये भी हम कीमे में डाल देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे एक चम्मच भरकर कुटी हुई काली मिर्च, और नमक डाल देंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे मैंने नमक एक चम्मच और 1/4 टीस्पून डाला है, और एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। तो हाथ का इस्तेमाल कर ले तो बहुत अच्छा है। तो यहाँ अच्छी तरह से मैंने इसे मिक्स कर लिया, और 10 मिनट के लिए इसे हम छोड़ देंगे। तो चलिए, जब तक हम मसालों की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ हमने 200 ग्राम दही लिया, और उसमें हम डाल देंगे 1/2 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसमें 1 चम्मच भरकर हम कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे। इसमें लाल मिर्ची वगैरह का इस्तेमाल नहीं हुआ है, इसलिए हम काली मिर्च का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे। और 1/2 चम्मच के करीब हमने हल्दी पाउडर डालना है, 1 चम्मच भुना हुआ कुटा हुआ जीरा पाउडर, और ये 1/2 चम्मच बेसन है, इसे मैंने थोड़ा सा रोस्ट कर लिया, ये हम इसमें डाल देंगे। अब थोड़ा सा मिक्स कर लें अच्छे से हम इसे। अब इसे थोड़ा सा स्पाइसी करने के लिए हम इसमें डाल देंगे 5 से 6 हरी मिर्च है, इसे बीच से हमने स्लाइस किया, ये हम इसमें मिला लेंगे। और अच्छी तरह से मिक्स करना है, बिल्कुल भी गुठलियाँ ना रहे दही की, और जो बेसन हमने डाला है वो सारा मिक्स हो जाए। अब इसमें हम डाल देंगे 1/2 कप के करीब पानी, और अच्छे से इसे भी मिला लेंगे, ताकि घोल सा हमारा तैयार हो जाए। तो यहाँ पर हमने मिक्स करके रख लिया। तो अब चलिए, यहाँ पर हमने चूल्हे पे पैन रख दिया, और पैन में हम डाल देंगे 2 बड़े चम्मच के करीब तेल। तेल को थोड़ा हम गर्म कर लें और इस तरह से फैला लें। अब इसमें इस तरह गोल गोल करके, जो हमने कीमा प्याज और आलू का मिक्सर तैयार किया था, वो मिक्सर को इस तरह राउंड में करें। कबाब की तरह पतला पतला नहीं करना है, जिस तरह कोफ्ते करते हैं थोड़े मोटे मोटे गोल गोल, बस इस तरह राउंड करें, और इस पर हम इसे फ्राई कर लेंगे। और बहुत इजी और बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है। बस आपने इसको इस तरह एक तरफ से 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है, फिर टर्न कर लेंगे, और दूसरी तरफ से भी हमें 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। बस इसे हम निकाल लेंगे। इसे बहुत ज़्यादा हमें फ्राई करने की ज़रूरत नहीं, वरना जो इसमें सॉफ्टनेस होती है, जो इसमें जूस होता है, वो सारा ड्राई हो जाता है, तो वो मज़ेदार नहीं लगेंगे। तो इसी तरह से हमें दोनों तरफ से इसे निकाल लेना है कुक कर। तो ये हमने यहाँ पर निकाल लिया। अब आप देख रहे हो कितना सादा ऑयल है, हमने इसमें ऑयल अभी नहीं डाला है। ये सारा हम डालकर इसे भी
फ्राई कर लेंगे। तो चलिए जब तक कि दूसरा काम कर लेते हैं। तो दूसरी तरफ हमने चूल्हे पर एक कढ़ाई रखा और उसमें हम डाल देंगे 2 बड़े चम्मच के करीब ऑयल, 1/4 कप यहाँ तेल हमने डाल दिया है तकरीबन। अब इसमें जो दही का और मसाले हमने डाला था वो सारा अच्छे से एक मरतबा और फेंट लें, फिर इसमें हम डाल देंगे। और अच्छी तरह से हमें मीडियम आंच पर इसे भून लेना है और चम्मच को हमें कंटिन्यू मिक्स करते रहना है, क्योंकि इसमें दही गया है तो दही जब जाए तो उसे अच्छे से मिक्स करना है। थोड़ा सा 2 बड़े चम्मच के करीब हमने पानी मसाले में डाला था जो बर्तन में था, उसे हम मिला लें और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो तकरीबन 5 मिनट तक हमने इसे मिक्स किया। अब इसमें हम पानी डालेंगे, जितना आपको ग्रेवी चाहिए। इसमें बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं होती, ये बहुत ऐसा लटपटा सा होता है, तो इसे हम थोड़ा सा, ये 1 गिलास 1.5 गिलास के करीब हमने इसमें पानी का ऐड किया और धीरे धीरे करके डालना है। इकट्ठा हमें सारा पानी नहीं डालना वरना इसमें गुठलियाँ पड़ सकती है। अब हम नमक डाल देंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो हमने घी के बॉल्स तैयार किए हैं वो सारा इसमें हम डाल देंगे। बहुत ही अच्छी और बहुत ही सिंपल, कुछ नया खाने का दिल हो तो ट्राई कीजिएगा। और 1 चम्मच हमने कसूरी मेथी को हाथों से रगड़कर इसमें डाल दिया, इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। और 1/4 टीस्पून हमने ज़रा सा इसमें गरम मसाला छिड़क दिया। आप अगर डालना ना चाहो तो आप इसे स्किप कर सकते हो। और सारी चीज़ों को बस हल्के से हमें मिक्स कर लेना है। तकरीबन यहाँ मैंने 2 छोटे गिलास जो होते हैं उसका पानी का इस्तेमाल किया है। तो इस तरह जब ग्रेवी हमारी जो बॉल्स हैं वो अंदर बैठ जाएं, फिर इसे कवर कर लें और कवर करके हमें 10 से 15 मिनट के लिए रख देना है। अब चलिए तड़के की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने पैन में 2 बड़े चम्मच ऑयल डाल दिया और ये 6 गोल वाली मिर्चें ये डाल देंगे और 25 से 30 कड़ी पत्ते ये हम डाल देंगे। और थोड़ा सा इसे खुशबू आने तक का हमें बिल्कुल बारीक आंच पर फ्राई कर लेना है। बहुत मज़ेदार रेसिपी है, प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और फिर हमने इसमें कीमे वाली रेसिपी में या कीमे की कड़ी में हमने इसमें डाल दिया, तो आपने ज़रूर ट्राई करना है। कुछ अलग करना हो तो प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और देखिए 10 मिनट मैंने इसे सेट होने दिया और फिर इसे इंजॉय करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। पसंद आए तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर के साथ बहुत सारा शेयर कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।